अखंड बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्बू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यावर्त स्थित था। आज न जम्बू द्वीप है न भारतवर्ष और न आर्यावर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान है और सच कहें तो ये भी नहीं। आओ जानते हैं भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होने की संक्षिप्त कहानी। गंधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उप संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन हो चला। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए और 870 में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में ये दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों भारत के बीच गंजामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। सिंध पाकिस्तान 712 ईस्वी में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर कई अभियानों का सफल नेतृत्व किया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के दौरान सिंध के हिंदू राजा राजा दाहिर 679 ईस्वी और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर शहीद हो गए। पंजाब और मुल्तान 977 में अलपकीन के दामाद सुबुकीन के पुत्र महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किए। उसने भारत पर 1001 से 1026 के बीच 17 बार आक्रमण किए। महमूद ने सिंहासन पर बैठते ही पहले हिंदू शाहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। उसने सन 1001 में राजा जयपाल को हराया, फिर 1008 में आनंदपाल को हराया। इसके बाद वह मुल्तान और पंजाब को तहस नहस करने के लिए निकल पड़ा। अफगान अभियान की लड़ाइयों में पंजाब पर अब गजनवियों का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद के आक्रमणों में उसने मुल्तान लाहौर नगरकोट और थानेश्वर तक के विशाल भूभाग में कूप मारकाट की तथा बौद्ध और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। फिर सन 1018 में कन्नौज के विरुद्ध युद्ध हुआ था। उसी समय उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा और वहां के मंदिरों को तोड़ दिया। उस वक्त मथुरा के समीप महावन के शासक कुलचंद के साथ उसका युद्ध हुआ। कुलचंद ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उसका सबसे बड़ा आक्रमण 1026 में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुशस्थली और वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक जनपद संभवतः गांधार जनपद का हिस्सा था। 321 ईस्वी ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वर्ष 711 में मोहम्मद बिन कासिम और फिर 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद बलूचिस्तान के लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा। इसके बाद अगले 300 सालों तक यहाँ मुगलों और गिलजियों का शासन रहा। अकबर के शासनकाल में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन था। मुगल काल में इसकी अधीनता बदलती रही। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन 1666 में स्थापित मीर अहमद की कला की खानत को अपना आधार मानता है। मीर नसीर खान के 1758 में अफगान की अधीनता कबूल करने के बाद कला की सीमाएं पूर्व में डेरा गाजी खान और पश्चिम में बंदर अब्बास तक फैल गईं। ईरान के नादिर शाह की मदद से कला के खानों ने ब्रह्मी आदिवासियों को एकत्रित किया और सत्ता पर काबिज हो गए। प्रथम अफगान युद्ध 1839-42 के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। वर्ष 1876 में रॉबर्ट सैंडमैन को बलूचिस्तान का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया और 1887 तक इसके ज्यादातर इलाके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए।